बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 10.8। इसमें हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट मालूम करना है एट टर्मिनल ए एंड बी। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमूव लोड। इस सर्किट में ऑलरेडी लोड उतरा हुआ है टर्मिनल ए बी से, तो इसलिए हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है जो कि स्टेप टू है। उसमें ओपन सर्किट वोल्टेज मालूम करनी है, यानी कि वी थेवेनिन हमें मालूम करना है। तो इस को सर्किट को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये जो रेजिस्टेंस थी ये थोड़ा सा ए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ओपन सर्किट वोल्टेज मालूम करना है, यहाँ यानी कि जे फोर ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मालूम करना है। यहाँ से क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा है इसलिए यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए सारा का सारा वोल्टेज जो जे फोर के क्रॉस ओम के क्रॉस होगा वही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा। तो ओपन सर्किट वोल्टेज मालूम करने का तरीकाकार क्या है, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस मालूम करना है वो ऊपर डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, दिस प्लस दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई पीछे से जो वोल्टेज आ रहा है। तो ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज आ गया। फिर स्टेप थ्री है जेड थेवेनिन, वो मालूम करनी है। जेड थेवेनिन मालूम करने के लिए हमें ये वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि इसको शॉर्ट हम करेंगे। तो ये देखें, हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है। देखिए इन दोनों का एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो इसके साथ पैरेलल में होगा और ये इसके साथ सीरीज़ में होगा, यानी कि 10 का जो एडिशन होगा इन दोनों के पैरेलल कम्बिनेशन के साथ होगा, इन इसके और इसके पैरेलल कम्बिनेशन के साथ होगा। पैरेलल में क्या दो रेजिस्टेंस हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 12.24 माइनस जे 3.2। और स्टेप फोर है ड्रॉ द थेवेनिन नेटवर्क। थेवेनिन नेटवर्क में क्या है, जो ओपन सर्किट वोल्टेज है या वी थेवेनिन, उसके सीरीज़ में जेड थेवेनिन आपने अटैच कर देनी है।